हमीरपुर में आज जेल रोड पर जाम लगाकर हंगामा और पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी करने वाली ये महिलाएं हमीरपुर में चंदूपुर की थी। दरअसल बीते दिन पुरारा थाना क्षेत्र में कुसमरा चौकी के पास एक शख्स की लाश रोड पर पड़ी मिली थी, जिसका आज पोस्टमार्टम हो रहा था और इस दौरान परिजनों सहित सैकड़ों ग्रामीण भी पहुंचे हुए थे। तभी परिजनों ने सुनील की हत्या की बात कहते हुए रोड पर जाम लगा दिया और बवाल करने लगे। तभी कुछ महिलाओं ने यहां पथराव करना शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों और प्रधान का कहना है कि गांव के दबंग लोग ने इसकी हत्या करके शव को रोड पर फेंक दिया था। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे। महिलाओं का कहना ये है कि जितने लोग इसमें दोषी हैं सबको पकड़ के लाया जाए, और ये दो बुजुर्ग बताए जा रहे हैं कि दो बुजुर्ग हैं, ये इस कार्य करने लायक है नहीं है। ये मर्डर हुआ है साहब, सच्चाई पे हुआ है। खेतों से लड़के को पकड़ के ले गए और जबरदस्ती का मर्डर कर दिया गया है। ये जानवरों की लड़ाई है, जानवर रोज तिली और इनके ज्वार खा जाते थे, पूरी फसल नष्ट करवा दी है इन लोगों ने, बस इतनी सी लड़ाई है इन लोगों की। दो तीन दिन में सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और मुलजिम चले जाएंगे, तो सबको समझाओ। अभी इनको समझदारी नहीं है मान लिया, और तुम तो आप लोगों का काम भी समझो। आज पूछताछ तो होगी, और हम अगर ये नहीं कि पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे तो हम वहाँ क्या कर पाएंगे। पथराव और रोड जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवा दिया और तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग शांत हुए और मृतक सुनील का पोस्टमार्टम हो सका। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ 75, हमीरपुर।